हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑन एसएससी अड्डा। हाउ टू एक्सेल इन आफकेट वोकेबुलरी, इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज से आपके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए और बताइए कि क्या आज आपको क्लास आ रही है या नहीं, क्या आपको क्लास दिखाई दे रही है या नहीं, फटाफट से एक बार बता दीजिए। चलिए, आकृति, मनीषा, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, अभी बातचीत करते हैं मॉर्निंग की क्लास के बारे में भी। और फटाफट से एक बार बताइए आवाज़ आ रही है या नहीं। चलिए, चलिए, मनीषा, आकृति, गुड गुड गुड। में भी कोई इशू हो गया है, यहाँ पर आवाज़ आपको मेरी आ रही है और दिखाई कुछ नहीं दे रहा होगा। हाँ जी, सबको दिखाई दे रहा है भाई, बताओ जल्दी से। राजकुमार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब बताइए एक बार सही से आवाज़ आ रही है या नहीं। आकृति, मनीषा, शायद स्ट्रीमिंग डबल इशू हो गया था, फटाफट से एक बार बताइए कि सही से आवाज़ आ रही है या नहीं। कॉन्करेंट व्यूअर्स भी बने हुए हैं साथ में, एक बार आप लोग बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि सही से आपको इनपुट आ रहा है या नहीं। ओके ओके ओके, वेरी गुड। गुड 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 गुड, चलिए बहुत बढ़िया। सो आज का सेशन जो हम लेने जा रहे हैं वो वोकेबुलरी सेक्शन के ही ऊपर है, और इसके अंदर हम पढ़ने जाएंगे कि वोकेबुलरी के अंदर एक्सेल करने के लिए, अच्छा करने के लिए आखिर क्या करना जरूरी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सो आज का सेशन तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं अड्डा कामयाबी का लर्न एंड सक्सीड विद अड्डा 247 की मोस्ट अवेटेड फ्लैश सेल आ चुकी है 4 PM to 8 PM ओनली।
जिसके अंदर आपको 14% का ऑफ प्लस 5% ऑफ मिलेगा जो ऐप यूज करते हैं, ये कॉइन्स को यूज करके मिलेगा जब आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे। ये सारी की सारी चीज़ आप अवेल कर सकते हैं अपनी लाइव क्लासेस में और महापैक्स में, जिसके लिए आप डिस्काउंट के लिए कोड भी अप्लाई कर सकते हैं Y254, जिसके लिए आपको adda247.com पर जाना होगा। इसी के साथ इसके लिए आपके पास लिंक जो है वो adda247.com के लाइव क्लासेस के सेशन में होगा। ध्यान रहे, ये सेल स्टार्ट हो रही है 5th of August के 4 PM पे, और सेल एंड हो रही है रात 12 बजे, मतलब 12 बजे से पहले पहले इसको आप परचेज कर लेंगे। और यही आपके पास 10th of August को 2020 को 4 PM टू 7 PM का अफकेट का बैच, आपके पास कंप्लीट बैच, कमिटेड बैच आपके पास आ रहा है। ठीक है, चलिए सो बात करते हैं अफकेट में आने वाली इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी की, आखिर कौन कौन सी वोकेबलरी है जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो आइए उसी थोड़े बहुत शब्द की बात आज करनी शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, पहला शब्द आपके पास है अबेट। अबेट ए बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, ए बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स नेगेटिव होते हैं। अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। अब अगर आपने किसी खाने को खा लिया, अब अगर अब अगर किसी खाने को आपने खा लिया, तो इसका मतलब आगे के लिए कम बचा या ज़्यादा कम, तो इसका मतलब किसी भी बहुत बुरी सिचुएशन की कमी करना, रोकथाम करना, मॉडरेट करना, डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके दो दो सिनोनिम और दो दो एंटोनिम मैंने आपके सामने यहाँ लिख रखे हैं, और बराबर मात्रा में इन चीज़ों को आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए और बढ़ते जाइए। सो मॉडरेट का मतलब भी होता है सामान्य करना, मध्यम करना, या डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को धीमा करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटोनिम के तौर पर यहाँ पर एग्रावेट या सप्लीमेंट का यूज़ होगा। एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ को उकसाना या भड़काना, या सप्लीमेंट का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ के लिए सहयोग देना, किसी चीज़ को सप्लीमेंट करना, मतलब किसी चीज़ अन्य चीज़ की सप्लाई करने के लिए सप्लीमेंट शब्द का यूज़ होता है। अगर आप भी इसके अलावा भी किसी भी सिनोनिम या किसी भी एंटोनिम को लिखकर जानते हैं, लिखना जानते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि एस लिखकर सिनोनिम लिख सकते हैं या ए लिखकर, कैपिटल ए लिखकर एंटोनिम लिख सकते हैं, ताकि आपकी बहुत अच्छी रिवीजन भी हो सके और आपके पास एक वर्ड का जो बैंक होता है वो दिमाग में फिर से जनरेट हो या रिफ्रेश हो। दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं, जो वर्ड है आपके पास एब्जेक्ट। ए बी से अगेन शुरू है, पक्का नेगेटिव वर्ड होता है। ए बी से स्टार्ट होने वाले 99% जो वर्ड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, 99% जो वर्ड होते हैं वो नेगेटिव नेचर के होते हैं, नेगेटिव नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर एब्जेक्ट का मतलब होता है अधम। इसको हिंदी के अंदर अगर कहूँ तो नीच भी कहा जाता है। जिस पर्सन से लोग नफरत करते हैं, हेट करते हैं, उसे डिस्पिकेबल कहा जाता है, डिस्पाइस से यूज होता है। या ऐसे ही पर्सन को सर्वाइल नेचर, सर्वेंट वाले नेचर के तौर पर, या सबमिसिव नेचर के तौर पर कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के अंदर जो आपके पास वर्ड बनेगा वो बनेगा एंटोनिम के अंदर। जो पर्सन नीच अधम होता है, जिसकी हमेशा बुराई होती है, जिससे हमेशा लोग नफरत करते हैं, उसे एब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे मोस्ट पीपल इन अफ्रीका आर लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब वो पॉवर्टी में नहीं, नीच से नीच दर्जे की भी गरीबी में रहते हैं, अति गरीबी में रहते हैं, और अति गरीबी की सिचुएशन को पानूरियस सिचुएशन कहा जाता है। तो डेस्पिकेबल सर्वाइल के साथ साथ यहाँ पर एंटोनिम आपके पास दिए गए हैं। एक वर्ड दिया है कमेंडेबल, क्या दिया है, कमेंडेबल, और कमेंडेबल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करने योग्य, कमेंडेबल। इसी से एक और वर्ड बनता है प्रेजवर्दी, और प्रेजवर्दी का मतलब भी होता है डिजर्विंग टू बी प्रेज्ड, यानी जो पर्सन डिजर्व करता है कि उसकी प्रशंसा की जाए। ओके, अगला देखिए, देखिए बहुत अच्छा आपके पास एक कोट लिखा गया है अभी, फेलियर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। जो असफलता होती है वो आपके पास एक अवसर होता है कि आप अपने बौद्धिक तौर पर और तीक्ष्ण बनते हुए, और तेज बनते हुए, और तर्रार बनते हुए, तेज तर्रार बनते हुए दोबारा से शुरू करें किसी काम को। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा वर्ड आपके पास है एब्ज्योर। अब अगर आपको किसी चीज़ में ज़्यादा जोर लग रहा है
तो कई लोग क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। जैसे किसी को पढ़ाई जो है जोर लगने लगती है, वो उसको त्याग देता है, और इसी त्यागने को, जैसे किसी को अपनी जिम्मेदारी बोझ लगने लगती है वो त्याग देता है, और त्यागने को ही इंग्लिश में लीव, फॉरसेक या रेनाउंस के सेंस में जानते हैं। इसी का एंटोनिम हो जाएगा, जब आप किसी चीज़ को छोड़ते या त्यागते हैं तो हो जाएगा लीव या फॉरसेक। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप अपनाने का काम करते हैं तो अपनाने के लिए अप्रूव का इस्तेमाल होगा या सैंक्शन का इस्तेमाल होगा, किसी चीज़ को प्रेज करने के लिए या किसी चीज़ को अपना लेने के लिए यूज़ होगा। और किसी चीज़ को अपना लेना एंडोर्स होता है, या किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, सपोर्ट करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काजल, गुड मॉर्निंग। लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। चलिए अगला वर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अबोल्टिव। अगला वर्ड है अबोल्टिव। अबोल्टिव का मतलब होता है निष्फल। अबोल्टिव का मतलब होता है निष्फल, यानी अबोल्टिव। अबोल्टिव मतलब होता है अबोल्ट से बना है। कौन से वर्ड से बना है? अबोल्ट से ये वर्ड बना हुआ है, और अबोल्ट का मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल। अबोल्ट का मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो अबोल्टिव का मतलब होता है निष्फल, और निष्फल का मतलब होता है जो चीज़ वेस्ट चली जाती है, जिसमें से कोई प्रोडक्शन हासिल नहीं होता, उसे आप अनप्रोडक्टिव या वेन के सेंस में बोलते हैं। गुड मॉर्निंग इसरार, गुड मॉर्निंग वर्षा। सो वेन या अनप्रोडक्टिव, और यहीं पर वेन वाला जो वर्ड है ये आपके पास कई बार पेपर में भी आता है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, और इसके साथ इन वेन लग जाता है, इसके साथ इन वेन लग जाता है। इन वेन का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। और इसी के लिए आपके पास जो एंटोनिम यूज होता है वो होता है इफेक्चुअल या प्रोडक्टिव, यानी कि जो चीज़ें बहुत बार प्रभावी होती है, जो चीज़ उत्पादक होती है, जिनके अंदर उत्पादन शक्ति ज़्यादा होती है, उसे प्रोडक्टिव नेचर में कहते हैं, और ये अबोर्टिव का एंटोनिम बन जाता है, और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला जो शब्द है, फिफ्थ वर्ड जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल नीचे, और ये है एब्जॉल्व। क्या वर्ड है? एब्जॉल्व, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व। अब तेरा मामला सॉल्व, अब तू घर जा। किसी पर्सन को जो आपका एक्यूज था, जिनके ऊपर चार्जेस लगे थे, जिनके ऊपर दोष लगे थे, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, उन्हें दोष मुक्त करना, आरोप मुक्त करना, ऐसे चीज़ों को करना, यानी किसी को माफ़ करने के लिए, पार्डन या फॉरगिव के लिए एब्जॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इसका एंटोनिम क्या होता है, तो किसी पर्सन को किसी बात पर जोर डालना, दबाव देना, कंपेल करना, या किसी को दोषी बनाना या आरोपी बनाना, अक्यूज़ करने के लिए यूज़ होता है एब्जॉल्व। क्या शब्द है? एब्जॉल्व का मीनिंग यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगले 5 वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहे हैं, फटाफट से बताइए आप में से कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो आपने फर्स्ट टाइम सुने हैं या आप फर्स्ट टाइम यहां पर देख रहे हैं। सर इंग्लिश का स्टार्ट से क्लास नहीं होगा, स्टार्ट से चल रहा है, 9 बजे से 10 बजे तक का एक सेशन चलता है, जिसके अंदर हम डेली वोकेबलरी का सेशन करते हैं। फिलहाल वो सेशन आपके पास फ्रेजल वर्ब पर आधारित जो फिलर्स होते हैं उसका चल रहा है। आज 9 AM पर कुछ इश्यूज हो गए थे तो आज वो क्लास नहीं हो पाई है, वरना वो मंडे टू सैटरडे वो क्लास रोजाना आपके पास होती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, इसरार भाई कह रहे हैं नाम ले लीजिए, नाम ले लिया भाई। अकोल्ड, पहला शब्द है अकोल्ड, और अकोल्ड का मतलब होता है आई अकॉर्डिंग टू मी। जब आप कहते हो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, तो इसका मतलब इस डेटा के अनुसार। और जब हम किसी चीज़ के अनुसार चलते हैं, मतलब उस चीज़ से कंप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उससे सहमत होने की कोशिश करते हैं,
और अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, यानी कि समझौता या फिर हारमोनी के लिए यूज़ किया जाता है। सुख शांति की जो स्थिति बनती है हमारे आपस में, उसे अग्रीमेंट या हारमोनी के सेंस में जाना जाता है। इसी का जो एंटोनिम आपके पास बनेगा वो बनेगा डिसअग्रीमेंट या डिस्कॉर्ड के सेंस में बनेगा, क्योंकि अग्रीमेंट का उल्टा होता है डिसअग्रीमेंट, असहमति या डिस्कॉर्ड के सेंस में भी इसको जानते हैं। अगला जो शब्द आपके पास आता है एक्रीमोनी। एक्री जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब होता है तीखापन, किस शार्पनेस। और जब आपका एक्रीमोनियस नेचर होता है, मतलब आपका अनफ्रेंडली नेचर होता है, अगर कोई पर्सन आपसे कहे यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, और आप कहो हट हट दूर भाग, तो जब आप ऐसे कहते हो हट हट दूर भाग, तो उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि आप ऐसे रूखे स्वभाव में उससे बात करेंगे। तो जब आपके नेचर में, जब आपके दिल के अंदर जोश नहीं होता, कड़वाहट होती है, भद्दापन या रूखापन होता है, उसे एक्रीमोनी कहते हैं। और इसी के लिए हार्शनेस या बिटरनेस का इस्तेमाल होता है। सो एक्रीमोनी जो शब्द है वो एक्री रूट वर्ड से बना है, और एक्री रूट वर्ड का मतलब होता है तीखा या बिटर के सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, सो अगर आपने फर्स्ट टाइम सुना है तो इसको याद कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम आपको फर्स्ट टाइम नहीं, अगर एग्ज़ाम में आपने वर्ड फर्स्ट टाइम देखा, इसका मतलब आप तुक्का लगाने लायक होगे या फिर आपको वो क्वेश्चन मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप रूखापन की जगह, जब आप किसी के प्रति बड़े अच्छे दिल से, दिमाग से मिलते हैं, बड़ी स्माइलिंग फेस के साथ मिलते हैं, बड़ी दयालुता के साथ मिलते हैं, तो उसे कर्टसी कहते हैं। कर्टसी कहते हैं, या इसे काइंडनेस नेचर वाले वर्ड के तौर पर बेनेवोलेंस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बेनेवोलेंस भी कहा जाता है। ओके, अब इसी के अंदर एक और शब्द आपके पास है एडामेंट। एडामेंट अपने आप में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से यूज़ होता है। जब किसी पर्सन के इरादे अटल होते हैं, इरादे बिल्कुल अडिग होते हैं, इरादे बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल होते हैं, उसके लिए अटल पॉजिटिव नेचर का काम करता है। लेकिन कई बार कुछ लोगों का नेचर बड़ा ही अक्खड़ रवैया होता है, वो बिल्कुल पानी जैसा नेचर जो होना चाहिए, जहाँ रास्ता मिले वहाँ से बह जाना चाहिए, लेकिन कई बार लोग शिला खंड की तरह, बिल्कुल पेड़ की भांति या जड़ की भांति या फिर अपने पहाड़ पर्वतों की भांति बिल्कुल अडिग हो जाते हैं, एडामेंट हो जाते हैं, अक्खड़ हो जाते हैं, जिन लोगों के लिए घमंडी शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा स्टबन या इनफ्लेक्सिबल, और उसी के लिए जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट नेचर, बिनाइन नेचर, काइंड नेचर के लिए ये यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अगला शब्द देखिए अपने पास अधेरेंट। अधेरेंट शब्द का मतलब क्या होता है? अधेरेंट का मतलब होता है पक्षपाती। पक्षपाती के सेंस में भी बोलो, या अधेर का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना या किसी चीज़ पर स्टिक रहना, बिल्कुल चिपके रहना, जुड़े रहना, बने रहने के सेंस में यूज़ होता है। तो अधेरेंट, देखिए जब आप कभी ऐसे लेटर लिखते हैं तो उसमें लिखा आता है काइंडली अधेयर टू द वर्ल्ड लिमिट, तो वर्ल्ड लिमिट पर जमे रहें, बने रहें, फॉलो करते रहें, तो अधेयर टू का मतलब होता है फॉलो। अधेयर टू का मतलब होता है फॉलो, और जो पर्सन अपने आप में फॉलो करता है किसी चीज़ को, उस चीज़ के लिए फॉलोवर या डिसाइपल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और डिसाइपल का ही मतलब होता है शिष्य। और वही डिसाइपल जो होता है, जो आपकी बात को मान लेता है, जैसा आप कहते हैं वैसा करता है, और उसी से डिसिप्लिन शब्द बनता है, और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, निज पर शासन फिर अनुशासन। ठीक है, और इसी से आपका जो एंटोनिम बनता है वो बनता है राइवल। राइवल का मतलब होता है दुश्मनी, प्रतिद्वंदिता, यानी जब आप किसी के सामने खड़े हो जाते हैं, क्रॉस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसे राइवल कहा जाता है। और इसे ही एडवर्स सिचुएशन के तौर पर इसी के लिए नाउन यूज होता है एडवर्सरी, ADVERSARY। और एडवर्सरी की स्पेलिंग आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, एडवर्सरी की स्पेलिंग आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। सो फटाफट एक बार लिखिए एडवर्सरी की स्पेलिंग। चलिए, सो आखिरी वर्ड आज का करते हैं एडजंक्ट, ADJUNCT, एडजंक्ट, ADJUNCT, एडजंक्ट। अब मुझे बताइए, AD का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना,
एडी का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, और जंक्ट का तो मतलब जंक्शन होता है, और जंक्शन ऐसा होता है जो दो या दो से ज्यादा मीटिंग पॉइंट को जोड़ने में काम आता है। और रेलवे जंक्शन शब्द तो आप सब ने ही सुना होगा। तो एड जंक्ट मतलब जोड़ने के काम में जब आप किसी पर्सन को अपने साथ जोड़ते हो, अपने साथ ऐड करते हो ताकि वो आपकी सहायता कर सके, इसके लिए आप सहायक शब्द के लिए इस्तेमाल करते हो, जिसके लिए ज्वाइंड या एडेड के लिए यूज होगा, जिस चीज़ को ज्वाइन किया गया है, जिस चीज़ को ऐड किया गया है। अब आप एक बार दिमाग लगा के सोचो कि इसका अलग क्या बनेगा, इसका एंटोनिम क्या बनेगा, जिसको अलग रखा गया है, जिसको घटा दिया गया है, सेपरेटेड या सब्ट्रैक्टेड के सेंस में इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास अगर आप अड्डा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप Y254 को ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें अपने किसी भी लाइव क्लास को लेने के लिए, महापैक को लेने के लिए। यहाँ पर आपको 14% का तो फ्लैट ऑफ आज मिल ही रहा है, साथ ही साथ एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर, अपने क्वाइंस को यूज़ करने पर 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आप जो प्रोमो कोड यूज़ करेंगे वो Y254 को यूज़ करेंगे, और इस क्लास को लेने के लिए आप www.ada247.com के लाइव सेशन पर जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप इस तरीके से जाने की कोशिश करेंगे, और सेल जो स्टार्ट हो रही है वो 5 अगस्त 4 PM से स्टार्ट हो रही है, आज शाम को 4 बजे से, और आज रात 12 बजे से जस्ट एक मिनट पहले ये ख़त्म हो जाएगी, यानी 11:59 PM पर ये ओवर हो जाएगी। साथ ही साथ जो 10 अगस्त को ये बैच आ रहा है इंडियन एयरफोर्स का एफकेट 2.0 2020 कंप्लीट बैच, जिसमें एक बहुत मजबूत टीम आपके सामने आ रही है, जीवेश सर के मार्गदर्शन में आ रही है, 4 PM टू 7 PM जिसका टाइमिंग रहने वाला है। साथ ही साथ अड्डा 247 के SSC चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं साहिल मित्तल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डॉक्टर वोकैब को अप्लाई करें, और साथ ही साथ रोजाना वोकैब की क्लास देखने के लिए मंडे टू सैटरडे 9 AM पर ज़रूर से ज़रूर पधारें, जिसके अंदर फ़िलहाल अभी फ्रेजल वर्ब के सेशंस चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। शुक्रिया आप सभी का।